हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इतिश्री। उयर फैमिली चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मटन का बिरयानी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मटन बिरयानी बनाने के लिए पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। नमक और हल्दी डालकर हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। चावल को हम अच्छे से धोकर उसको आधे घंटे के लिए हम पानी में भिगोकर रख लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम कर ली है। उसमें एक तेज पत्ता और प्याज डालकर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर डाल ली है और उसको अच्छे से हम भूनेंगे। हमें 2-3 सेकंड के लिए ही भूनना है। अभी हम उसमें मटन डाल लेंगे। मटन डालकर हमें मसाले में मटन को अच्छे से भूनना है। अभी हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डाल ली है, जिससे कि मसाला और मटन अच्छे से भून जाए। अभी हम हरी मिर्च डालेंगे और दही भी मैंने यहाँ पर डाल ली है। दही को मैंने मिक्सी में अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर डाली है और दही पकाते वक्त हमें तुरंत ही अच्छे से मिक्स करना है मटन में, नहीं तो दही फट सकता है। उसमें मैंने थोड़ा सा शक्कर डाल ली है। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अभी हम उसमें धनिए का पत्ता और पुदीने के पत्ता डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटन को हम पकने के लिए 5-10 मिनट तक छोड़ देंगे, जैसे कि मटन 70% तक पक जाए। अगर आप चाहे तो कुकर में भी एक सीटी डालकर आप मटन को पका सकते हैं। राइस के लिए मैंने यहाँ पर पानी रख ली है और पानी गर्म होने के बाद हम उसमें शाही जीरा और दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ब्लैक पेपर डालकर हम उसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। देखिए, उसमें मैंने यहाँ पर नमक डाल ली है और उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और एक तेज पत्ता डाल लेंगे। अभी हम उसमें चावल को डाल लेंगे। याद रखिएगा, आपको चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, 40% ही पकाना है। देखिए, चावल हमारा हो गया है। अभी हम उसको पानी से निकाल लेंगे। अभी हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। लेयरिंग के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में मटन को ट्रांसफ़र कर ली है और उसके ऊपर मैंने राइस को डाल रही हूँ। अभी मैंने 2 बड़े चम्मच केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। उसका फ्लेवर और स्मेल बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अच्छे कलर देखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाल ली हूँ। फूड कलर आपको ऑप्शनल है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ता को डाल ली है। उसके ऊपर मैंने फ्राइड ओनियन या प्याज को मैंने तेल से अच्छे से फ्राई करके रखा था, उसको डाल रही हूँ।
दम देने के लिए पहले हम तवे को गर्म करके उसके ऊपर बिरयानी के कढ़ाई हम रखेंगे और बिरयानी को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ढक लेना है। उसके बाद हम उसको 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम में हमें दम देना है। देखिए हमारा 30-35 मिनट हो गया है। अभी हम कवर को निकालेंगे। देखिए बिरयानी भी हमारा हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसको आप ज़रूर घर पर बनाइए और देखिएगा ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। मटन के पीसेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। अभी हम गरम गरम प्लेट में सर्व कर लेंगे। अभी हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी मटन दम बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। आप घर पर ज़रूर बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।